स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे द हिंदी स्क्रीन चैनल पर। चलिए तो शुरू करते हैं एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन जो कि आप बेहद पसंद करते हैं। तो आज की मूवी का नाम है फर्स्ट दे किल्ड माय फादर। जी हाँ, ये मूवी लाउंज नाम की एक लड़की की बायोग्राफी को दर्शाती है जिसमें उस लड़की और उसके परिवार ने बहुत ही वायलेंट वॉर का एक्सपीरियंस किया होता है। इस मूवी की खास बात यह है कि इसे डायरेक्ट किया गया है हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली के द्वारा। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कंबोडिया की राजधानी फ्रोम फेन में चारों तरफ खुशी का माहौल है। लोगों को लगता है कि अब उन्हें विदेशी राज्य से मुक्ति मिल गई है, लेकिन तभी फ्रोम फेन को खमेर रोग की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। शहर में घुसते ही खमेर रोग की सेना ये ऐलान कर देती है कि कंबोडिया शहर पर उन्होंने अपना आधिपत्य कायम कर लिया है और अब वहाँ के लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खमेर रोग की सेना उन्हें बताती है कि अमेरिका कंबोडिया में बमबारी करने वाला है और सभी लोग 3 दिन के लिए शहर छोड़कर गाँव की तरफ चले जाएँ। लेकिन किसे पता था कि 3 दिन साल से भी ज़्यादा में बदल जाएंगे। आखिर कंबोडिया के लोगों के साथ क्या हुआ, इस बात का भी पता हमें आगे लग जाएगा। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि 9 नवंबर 1953 को कंबोडिया फ्रांस से आज़ाद हो जाता है। फ्रांस के जाने के बाद कंबोडिया नोरोडोम शिहानू के अंदर में किंगडम ऑफ कंबोडिया बन जाता है। देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए वो गद्दी छोड़ तो देता है लेकिन राजशाही खत्म नहीं करता और गद्दी पर अपने पिता को बिठा देता है और अपनी खुद की संकुम पार्टी बना लेता है। इलेक्शन के दौरान शिहानू को बड़ी आसानी से जीत भी हासिल हो जाती है। उधर 1960 में नॉर्थ वियतनाम की सरकार यानी वियत कॉन्ग के गुरिला फोर्सेस और साउथ वियतनाम के बीच युद्ध होता है। नॉर्थ के साथ थाई चाइना और रशिया, वहीं साउथ वियतनाम के साथ यूएसए और उसके अलाइज। वैसे तो कंबोडिया इनके वॉर में न्यूट्रल था लेकिन शिहानू का झुकाव कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा था, इसलिए वियत कॉन्ग की सेना साउथ वियतनाम पर हमला करने के लिए कंबोडिया का रास्ता इस्तेमाल करती थी। 1968 में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। उसी दौरान अमेरिका में वियतनाम में चल रहे युद्ध के खिलाफ एंटी वॉर सेंटीमेंट्स चरम पर थे और पूरे देश में इस युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। 1979 तक अमेरिका दक्षिण वियतनाम से अपनी सेना कम करने लगता है, लेकिन रिचर्ड और उनके सेक्रेटरी वहां से जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो कुछ समय तक वहां और बने रहेंगे तो वे कम्युनिस्ट को हरा सकते हैं। देश में प्रदर्शन के चलते अमेरिका कोई बड़ा हमला नहीं कर सकता था, इसलिए अमेरिका ने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन मेन्यू। इसके तहत अमेरिका ने कंबोडिया में छुपे हुए वियत कॉन्ग की सेना पर सीक्रेटली बमबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे आम नागरिकों की भी जान चली गई और इसी वजह से कंबोडिया के लोग अमेरिका से बहुत ज्यादा नाराज थे। लोगों का यही गुस्सा 1975 में खमेर रोग को पावर में आने को मजबूर करता है। 1970 में जब शिहानू यूरोप की यात्रा पर जाता है तो उसके कैबिनेट का रक्षा मंत्री जनरल लॉन नॉन अमेरिका की मदद लेकर उसका तख्ता पलट कर देता है और अब राजशाही वहां खत्म हो जाती है। मगर जनरल लॉन लॉन की मदद के लिए कोई नहीं खड़ा है और अब कंबोडिया ने चाहकर भी खमेर के अंदर में आ जाता है और जिसके बाद खमेर रिपब्लिक की स्थापना हो जाती है। और अब आ जाती है तारीख 17 अप्रैल 1975 की, जहां खमेर रोग की सेना कंबोडिया की राजधानी फ्रोम फेन पर कब्जा कर लेती है। ये वही समय है जहां मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। अब मूवी आगे बढ़ती है तो हमें लाउंज नाम की लड़की दिखाई देती है। उसके पिता का नाम है पा उंग और वो कंबोडिया की सरकार के लिए काम करते थे। टीवी में दिखाया जाता है कि क्या अमेरिका की सरकार अपनी सेना को पूरी तरीके से कंबोडिया से बाहर लेकर जा रही है। उधर जनरल लॉन लॉन की सरकार को बचाने के लिए कोई नहीं है। इधर खमेर की सेना सबको गांव जाने के लिए कहती है। लाउंज का परिवार भी अपना सामान लेकर गांव की तरफ रवाना हो जाता है। फिर वे लोग शहर से थोड़ी दूर जाकर एक जगह रात बिताते हैं। सुबह होते ही रोज का एक सैनिक उनके परिवार को उठा लेता है और वहां से आगे जाने के लिए कहता है। वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और वो लोग गांव की तरफ चलते रहते हैं। चलते चलते अब 3 दिन हो गए हैं। लाउंज अपने पिता से पूछती है कि सैनिकों ने तो कहा था कि वे लोग 3 दिन में घर लौट सकते हैं, लेकिन हम तो चलते ही जा रहे हैं। पाउंग अपनी बेटी को साहस देता है और आगे चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर पर उन्हें एक चेकपोस्ट मिलती है जिसमें सरकारी ऑफिसर्स को सरेंडर करने की बात कही जाती है और साथ ही ऐलान किया जाता है कि नया कंबोडिया अब क्लासलेस होगा, जहां न कोई गरीब होगा और न ही कोई अमीर, और आप सभी लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे और वो है खेती। पाउंग वहां झूठ बोलता है और कहता है कि मैं एक शिपयार्ड में पैकिंग का काम करता था और फिर वहां से लोग आगे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्ग से भी खेतों में काम करवाया जा रहा है, परजीवियों से की जाती है। रास्ते में उन लोगों को लाउंज का मामा मिल जाता है जो गाँव में ही रहता था
और वो अपने साथ उन सबको घर ले जाता है। उसके मामा का नाम लियोंग है। शाम को पा उंग लियोंग और गांव वालों के साथ बात कर रहा होता है तो वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या अमेरिका ने फ्रोम फेन में बमबारी कर दी है, कि अंकार ने झूठ बोलकर उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। वो लोग पा उंग को बताते हैं कि अमेरिका काफी सालों से गांव में बमबारी कर रहा है जिसकी वजह से उन्होंने काफी कुछ खो दिया है और अब वे खमेर रोग को ही सपोर्ट करेंगे। रात को सोते समय लाउंज और उसकी माँ, जिसे वे लोग मोंग कहकर बुलाते हैं, ये दोनों लियोंग और उसकी पत्नी को बात करते हुए सुन लेते हैं। वो दोनों इन्हें अपने घर से भगाने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि अगर किसी को ये बात पता चल गई कि पाउंग जनरल का कैप्टन था तो उनका परिवार भी खतरे में पड़ सकता है। अगली सुबह लाउंज का परिवार लियोंग से एक दिन का खाना लेकर वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही चलते चलते शाम हो जाती है। तभी एक ट्रक लोगों को भरकर एक कैंप की तरफ ले जा रहा होता है और उन सभी को अपनी पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी का त्याग करने के लिए बोला जाता है और साथ ही ऐलान होता है कि सब एक तरीके से ही कपड़े पहनेंगे और सबको पश्चिमी सोच से छुटकारा पाना होगा। फिर उन सब से खेतों में काम कराया जाता है। साथ ही बताया जाता है कि इन सबको काम करके अंकार का पेट भरना होगा। एक आदमी अपने बच्चे को वेस्टर्न दवाई खिलाते हुए पकड़ा जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं ताकि उसको देसी दवाई ना इस्तेमाल करने की सजा सुनाई जा सके। अगली सुबह फ्रंटलाइन में लड़ रहे रेबल्स के लिए सब्जियां और चावल भिजवाए जाते हैं, जबकि इधर खेतों में काम कर रहे लोगों को नाम मात्र का ही खाना मिलता है। लाउंज की बहन किएव और भाई मैंग को लड़ाई में रिक्रूट कर लिया जाता है। वे अपने परिवार से विदा लेकर चले जाते हैं। उस रात लाउंज अपने भाई बहनों के बारे में सोचती है और याद करती है कि कैसे वो लोग फ्रॉम वेन में खुशी से रहते थे। फिर अगली सुबह लाउंज और उसके कैंप की लड़कियां पानी भरने जाती हैं तो उन्हें उसी आदमी की लाश मिलती है जिसे खमेर रोग के लोगों ने वेस्टर्न दवा इस्तेमाल करने के लिए मार दिया था। उसी दिन सैनिक लाउंज की बहन चो को बीन्स खाते हुए देख लेता है और उसे डांटता और मारता भी है। उसी रात पाउंग अपने परिवार के लिए चुपके से जेब में चावल भर कर ले जाता है। वे लोग थोड़ा थोड़ा खाना आपस में बैठ कर खा लेते हैं। रात में सोते वक्त लाउंज को स्वादिष्ट खाने का सपना आता है और उससे रहा नहीं जाता और फिर बचे हुए चावल भी चुपके से खा लेती है। सुबह किम जब चावल के डब्बे को देखता है तो वो खाली होता है और वो लाउंज की पिटाई करता है। फिर पाउंग उसे समझाती है कि उन्हें प्यार से रहना होगा। अगले दिन माउंग को पता चलता है कि उसकी बेटी कियाओ बहुत ज्यादा बीमार है। वे लोग कियाओ से मिलने उसके कैंप में जाते हैं। वे देखते हैं कि सभी बीमार लोगों का देसी तरीके से ही इलाज हो रहा है और कई लोग तो मर भी चुके हैं। माउंग अपनी बेटी से मिलकर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद जब सब लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं तो दूसरे कैंप से खबर आती है कि कियाओ की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत रोती है, लेकिन लाउंज को इस बात की खुशी थी कि कम से कम कियाओ को मरने के बाद उस जगह पर घुट घुट कर जीना तो नहीं पड़ेगा। फिर पाउंग को भी कैंप में जाने का न्योता आता है और वो वहां से चला जाता है। उस रात लाउंज को सपना आता है कि खमेर रोग की सेना ने उसके पिता को मार डाला है और बाकी लाशों के साथ गड्ढे में फेंक दिया है। उसी रात लाउंज की सबसे छोटी बहन भूख के मारे रोने लगती है और ये देखकर किम तुरंत खेत से सब्जी चुराने चला जाता है। लाउंज भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। किम को चोरी करता देख वहां के एक सैनिक उसे बहुत पीटते हैं और ये सब लाउंज देख रही होती है। घर पहुंचकर लाउंज किम के घाव साफ करती है। फिर वो अपने बच्चों को पाउंग के साथ डिस्कस किया हुआ पूरा प्लान बताती है और वो अपने बच्चों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कैंप ज्वाइन करने के लिए कहती है। साथ ही उन्हें कहना है कि वे अनाथ हैं। फिर अगली सुबह एक रास्ते पे किम और दूसरे रास्ते पर चाओ और लाउंज चले जाते हैं। उन दोनों को अकेला देखकर सैनिक बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोग जंगल में अकेले क्या कर रहे हो, तो बताते हैं कि हम अनाथ हैं और रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तब सैनिक इन दोनों को एक कैंप का रास्ता बताता है। कैंप में पहुंचकर एक औरत उनसे उनके बारे में पूछती है और उन्हें खाना भी दिया जाता है। फिर एक सुबह लाउंज को एक मिलिट्री ट्रेनिंग से बुलावा आ जाता है तो वो चाउस को उसी कैंप में छोड़कर चली जाती है। उस कैंप में बच्चों को बंदूक चलाना सिखाया जाता है और दुश्मन के लिए फंदा बनाना सिखाया जाता है। लाउंज अपने कैंप से अपनी सिस्टर से मिलने की इजाजत देती है और चुपके से अपनी माँ से मिलने चली जाती है, पर वहां आकर देखती है कि कैंप पूरी तरीके से खाली पड़ा है। एक औरत आकर लाउंज को बताती है कि कुछ समय पहले यहाँ सैनिक आए और जितने भी कमजोर व्यक्ति थे और उनको मार दिया गया। ये सुनकर लाउंज को बहुत दुख होता है। फिर वो अपने कैंप में आकर ट्रेनिंग जारी रखती है। उसी रात लाउंज के कैंप में भी बमबारी हो जाती है और सभी कैंप खाली करके जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लाउंज अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते उसके कैंप पहुंच जाती है, पर उसे अपनी बहन वहां नहीं मिलती। ये सब देखकर लाउंज रोने लगती है और फिर उस भीड़ के साथ चलने लगती है। खुशकिस्मती से लाउंज को चाओ और किम उसी भीड़ में मिल जाते हैं। फिर वे लोग वियतनाम रेफ्यूजी कैंप पहुंच जाते हैं, जहां कल रात हमले के बाद छुड़ाए गए लोगों को शरण मिली होती है। फिर उन तीनों की दोस्ती एक ग्रुप के साथ हो जाती है और फिर वो लोग मुर्गा पकड़ते हैं जिसपे किम ने रास्ते में पकड़ा होता है। बड़े दिनों बाद उन्हें कुछ स्वादिष्ट और पेट भरने लायक खाना मिल रहा था। फिर वे लोग आराम करने लगते हैं
तभी खमेर रोग के द्वारा रेफ्यूजी को छुड़ाने के लिए हमला होने लगता है। दोनों तरफ से फायरिंग चालू हो जाती है। सभी डर के जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लाउंज उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसने ट्रेनिंग के दौरान दुश्मनों के लिए फंदा लगाया होता है। वो अपने भाई बहन को आवाज लगाती है पर वे लोग वहां नहीं होते। धीरे धीरे करके लाउंज उस जगह को पार करती है और रेड क्रॉस द्वारा चलाए जा रहे कैंप में पहुंच जाती है और देखती है कि लोगों ने खमेर रोग के एक सैनिक को बंदी बना रखा है और उसे मारा जा रहा है। उस बंदी में लाउंज को उसके पिता दिखते हैं और लाउंज वहां से बहुत जोर से चिल्लाती है और भीड़ वहां से बंदी को छोड़कर चली जाती है। लाउंज उस बंदी को देखती है और वो भी वहां से चली जाती है। लाउंज उस कैंप में अपने चारों भाइयों और बहनों से भी मिल जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पांचों भाई बहन मॉन्क के साथ मिलकर अपने परिवार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अब मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन? पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला मूवी एक्सप्लेनेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।